आज के कार्यक्रम के बारे में बता दे मेरे। आज अहिंसा दल के द्वारा 5 दिसंबर 2022 को पानखेड़ा निकट गुरगुरी तालाब पे सामूहिक विवाह समारोह के माध्यम से 6 बच्चों का विवाह संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम 2014 से प्रारंभ हुआ था। महाराज समथर के प्रांगण में श्री राघवेंद्र सरकार की महान कृपा से अहिंसा दल के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गोपाल जी सोनी के द्वारा 101 बेटियों का विवाह का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें 111 बेटियों का विवाह संपन्न हुआ था। उस कार्यक्रम में जो बच्चों के माता पिता थे उनके द्वारा बड़ी कार्यक्रम की सराहना की गई और कुछ माता पिता आकर के गले से लिपट करके फफक कर रोने लगे कि हमारे बच्चों का विवाह धन के अभाव में कई बार टूट चुका है। इसलिए आज आप सबके सहयोग से हमारे बच्चों के हाथ पीले हुए उनका अपना घर बस गया, इसके लिए अहिंसा दल का और आपकी समस्त टीम का कोट कोट धन्यवाद व्यक्त किया। वहीं से हम सबको प्रेरणा मिली और आज राघवेंद्र सरकार की महान कृपा से जो उत्तर प्रदेश की सरकार सामूहिक विवाह समारोह करवा रही है वो भी कहीं ना कहीं अहिंसा दल के देन है, क्योंकि उस समय एक मात्र अहिंसा दल के द्वारा इस तरह के एक सामूहिक विवाह समारोह कराए जाते थे, जिसमें अब तक के 5,000 से अधिक बच्चों का विवाह संपन्न हो चुका है। और 26 फरवरी को सरोजनी नगर विधानसभा में ग्राम महुंदा में 101 बेटियों का विवाह संपन्न होने जा रहा है। ये सब हमारे कार्यकर्ताओं की अटूट मेहनत और लगन का परिणाम है, श्री राघवेंद्र सरकार की महान कृपा है। यह कार्यक्रम ईश्वर की महान कृपा तक, जब तक राघवेंद्र सरकार की कृपा होगी तब तक ऐसे कार्यक्रम निरंतर चलते रहेंगे। आज कितने लोगों का विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ है? आज 6 बच्चों का विवाह संपन्न हुआ है। ये बच्चे कहाँ के रहने वाले हैं? ये बच्चे उन्नाव से भी हैं, हरदोई से हैं, लखनऊ से हैं, रायबरेली से हैं। अन्य और अगला कार्यक्रम कब होने वाला है आपका? अगला कार्यक्रम 26 फरवरी 2023 में ग्राम महुंदा विधानसभा सरोजनी नगर में होना है।